तो भाई आज जो है वो है संडे है, और जो हमारे राइडर की जो टीम है उनमें से एक राइडर वाला जो भैया है उसने भाई अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट किया है आई डोंट नो, बट अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे अभी वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे शायद मेरे एक दो फ्रेंड और आएंगे जो राइडर वाले होंगे, और फिर वहाँ पे जाके हमारे राइडर वाले भैया से मिलेंगे और देखेंगे कि उसने कौन सा बिजनेस खोला है। और ये हमारी लोना हो गए थे यार, तो अभी हम निकल रहे हैं, वहीं सीधा जाके वहीं पे मिलेंगे आपको। वही बाइक की है ना, आपको सारा कुछ देख लिया होगा जो अपनी शॉप है, कैसे क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं है। पर है ना अभी वो चार्ट होता है ना जो लिस्ट होती है वो भी बनानी है, तो वो भी आपको दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। पर यार मुझे ये बताओ आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ बनाई है? कैफ़े है पूरा, कैफ़े जैसे फूड कॉन्टिनेंटल पूरा। ओके, फूड का सारा सारा कुछ, पिज़्ज़ा वगैरह चाइनीज़ फूड नहीं है पर कॉन्टिनेंटल सारा है। और मैंने क्या एक है ना सबसे जो एक है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो बिल्कुल लाइव तैयार करके देंगे, राइट? बिल्कुल। तो यार वो बड़ा अमेजिंग है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि एक्चुअली रीज़न ये था कि मेरे चल रहे रोजे, तो इसकी वजह से ना मैं अभी थोड़ा कुछ नहीं खा भी सका। तो फिलहाल भी जैसे कि रोजे ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा, फिर वहाँ पर आके स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे खाने पीने का क्या क्या आइटम है। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, तो चिंता मत कर, मेरे पास शॉर्ट पड़े वो ले लेना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि टाइम होती है, जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घर पे कोई फंक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता, कोई सबको देखना पड़ता है ना जो आते जाते हैं, ठीक है ना, मैनेज करना हो। तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। और ये भाई इसका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, देखने में बड़ा लग रहा है पर है छोटा, देखो तेरे स्टाइल दिखाना था को ये देखो यार, झुंडू ने और कितने वो कटा दिए, क्यों? अब देखो ये बड़ा है वो छोटा है, अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा लग रहा है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये दोनों आज ब्लैक बने हैं, दोनों भरा कोई काम कर रहा है। चलो ठीक है भाई, तो गर्मी भाजी ओह शिट यार, मजा का फोन आ रहा है गड्डी बैठ के, हाँ एसी चल पड़ा, ठंडी हवा फील हो गई। टाइम हो गया भाई अभी 1 बज गया ना भाजी, 1 बज गया भाई। यहाँ पे वैसे ज़्यादा टाइम लगा दिया ना, 15-20 मिनट सोचा था पर ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। जितने भी जाओ टाइम लग ही जाता यार, है ना? तो भाई बंदा सोचता कुछ, तभी वापसी पे भाई। अगर आपने कुछ ऑर्डर करना होगा फास्ट फूड का तो कर देना, नीचे नंबर दे देंगे रिक्की साहब जी का। बिग ब्लास्ट ये रहा बिग ब्लास्ट। तो बाय बाय बिग ब्लास्ट, मिलते हैं बड़ी जल्दी, रोजा खोल के फिर आएंगे यहाँ पे। चलो जी।